अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फिटफाट हैं? बमबाट हैं? यार मैं आपको एक ऐसी बात आज बताने वाला हूं जो सुन के आपको हैरत होगी कि यार ये बंदा किस दुनिया में रह रहा है। बात यह है कि मैंने जिंदगी में दोस्तों पहली बार कोई ऑनलाइन ड्रेस खरीदा है। ड्रेस क्या है, बस कैजुअल ट्राउजर्स हैं जो कि मैंने ऑर्डर्स की थी 2-3 दिन पहले, और उनमें से एक ब्रांड का जो है वो मैसेज आ चुका है मुझे कि थोड़ी ही देर में वो ट्राउजर मेरे घर पे पहुंच जाएगी। तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा है। वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता, पर लेट्स सी, जिस चीज़ का मैंने ऑर्डर दिया था वो वही है और उसकी क्वालिटी एंड स्टफ कैसा है ये सारा कुछ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अली अश्तर किधर हो? क्या कर रहे हो यार इधर? उठो बेटे, उठो, शाबाश, आ जाओ। कम ऑन। शाबाश, आ जाओ मेरा बेटा, बस इसको बंद करो, अब नहीं जाना इधर, ठीक है? तो दोस्तों पार्सल आ गए, अभी वो भाई बाहर खड़े, मैं उनसे रिसीव करता हूँ। वहाँ भाई आप हैं? जी जी मैं हूँ। सर आपका ये पार्सल आया है और 2000 रुपये का लेपर्ड कोरियर के जरिए। यार इसको चेक कर सकता हूँ मैं? सर जी खोल के नहीं चेक करा जाएगा, अगर कोई मसला हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। अच्छा, इन्होंने भेजा, अगर वो कॉल वगैरह ना पिक कर सकें तो लेपर्ड कोरियर के दफ्तर जाएंगे, अपनी कंप्लेन वगैरह लिखवा सकते हैं, बल्कि यहीं से भी लिखवा सकते हैं। मैं आपको नंबर भी सेंड कर सकता हूँ, उस पर व्हाट्सएप करेंगे। असल में यार वो मैं पहली दफ़ा ले रहा हूँ ना, तो देखते हैं कैसी क्वालिटी है। इनके तो आते रहते हैं सब, टेन भाई इनके तो आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों दो ट्राउजर्स मैंने ऑर्डर किए थे, उनमें से एक तो मुझे रिसीव हो चुका है, दूसरा अभी तक नहीं मिला, हो सकता है शाम तक वो भी आ जाए, नहीं तो कल तक आ जाएगा। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वही है या कोई और। कलर तो ब्लैक ही मैंने ऑर्डर किया था और वही कलर है यार। यार यार देखिए कितने फ्रॉडी लोग हैं, ये जिप भी ख़राब है और मैंने ट्राउज़र मंगवाया था, इन्होंने पेंट दे दी, जिप देखें टूटी हुई है इसकी। और एक और चीज़ जो है ये लंडे का सेकंड हैंड, ये इन्होंने पेंट भेजी है मुझे लंडे की। रमज़ान के महीने में ये लोग बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, हराम खोरियों से, ड्रामेबाजियों से। मैं इनकी कंप्लेन करूँगा और देखते हैं कि अब मुझे मेरी रकम वापस मिलती है या नहीं मिलती। यार बहुत दुख हो रहा है मुझे, अभी तो एक ऑर्डर आया, दूसरा पता नहीं कैसा निकलेगा, दूसरे को फिर मैंने कैंसिल कर देना है, वो मैंने रिसीव ही नहीं करना, दैट्स इट। वो तो इससे था भी थोड़ा कॉस्टली। तो यार धोखा जो होना था वो तो हो चुका है मेरे साथ। पहली बार मैंने कोई ट्राउज़र वगैरह लिया है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, पर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पार्सल के ऊपर जो नंबर दर्ज था शिपर का, वो नंबर भी ऑफ जा रहा है। इट मींस कि टोटल स्कैम हुआ है मेरे साथ। अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन ये है कि मैं सुबह कुरियर सर्विस वालों के पास जाऊंगा, उनके ऑफिस में, और कोई हल इसका निकालने की कोशिश करेंगे, वरना ज़ाहिर है पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार दोस्तों शाम हो गई है और गुड न्यूज़ ये है कि बादल छाए हुए हैं आसमान पर, और मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज बारिश होगी हमारे एरिया में, आज रात से अगले 2 दिन तक बारिश का इम्कान है। चलो यार ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट बादल है, मौसम अच्छा हो गया और इस अच्छे मौसम को हम सब एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों वही हुआ जिसका डर था यार, इस वक्त तेज़ हवा और आंधी चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, मिट्टी है इस हवा में, लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा ठंडी है और इस ठंडी हवा को महसूस करके हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर बारिश होगी। तो यार आंधी इस वक्त थोड़ी सी थम चुकी है, ठंडी हवा चल रही है, मज़े की हवा है, और अली अश्तर इस वक्त मेरे साथ है। यार बहुत तंग कर रहा था, ये कह रहा था मुझे बाहर लेकर चलो, और वो भी बाइक पे। तो बाइक पे तो हम नहीं जाएंगे, नहीं नो बाबा नो, बाइक पे नहीं। ये बाइक की चाबी को देख ले एक दफ़ा, और इसको पता है कि बाइक की चाबी कहाँ रखी हुई, बार बार उस तरफ इशारे करते हैं और कहते हैं मुझे बाहर ले कर चलो। यार देखिएगा अभी एक मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, अली अश्तर शायान को जैसे ही देखते ना मेरे पास, ये देखिए भाग के फौरन आ जाता है कि मुझे भी प्यार करो जैसे शायान को। यार करता तो आपको भी प्यार। अच्छा अच्छा आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। बस हाँ बस हाँ बस 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 बस
दोस्तों सुबह हो गई है, माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है यार। इस वक्त आसमान पर बादल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई यार। पर ये जो बादल है ना, इतनी ठंडी हवा अपने साथ लाए हुए हैं कि बारिश हो या ना हो कोई मसला नहीं है, मौसम वैसे ही बहुत प्यारा है। दोस्तों अभी थोड़ी देर में मैंने कुरियर वालों के पास जाना है उनके ऑफिस में, और देखते हैं कल जो स्कैम हुआ था उसका कोई हल निकलता है या नहीं। ओके, तो इसको अब वापस करने का टाइम हो चुका है दोस्तों। अभी चलते हैं कुरियर ऑफिस और जाके इसको वापस करने की कोशिश करते हैं। हमें रिफंड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं होता ऐसा तो फिर उस कंपनी को मैंने क्या सजा देने का सोचा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा जबरदस्त किस्म का आइडिया, आपको सुन के मजा आएगा। और उस कंपनी को अभी वीडियो में आगे चल के मैंने एक्सपोज भी करना था कि बाकी दोस्त बच सकें उसके धोखे में ना आए। यार फाइनली मैं कुरियर ऑफिस पहुंच चुका हूं और यहां पे अपने इस पार्सल की कंप्लेन करवाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है यार, ट्राई मारते हैं। ये मैंने कराची से मंगवाया था, कल ही पहुंचा, और ट्राउजर मंगवाई थी, पैंट भेजी है वो भी लंडे की फटी हुई। ये अब हम मेल कर रहे हैं उसे, कहेंगे तूने गलत चीज भेजी है, ये हमारी कंपनी का नंबर ठीक है इस नंबर पर मैं व्हाट्सएप कर दूं पिक्चर्स और ये रसीद नीचे वॉइस कर देनी है, ये चीज तो फेक है, मेरी कंप्लेंट दर्ज है, मेरी पेमेंट वापस। ओके, शुक्र है कि मामला हल हो रहा है। मुझे तवक्को नहीं थी कि हमारे मुल्क में इतना अच्छा सिस्टम है। असल में बात पैसों की भी नहीं है, कोई हमें बेवकूफ बनाए तो जाहिर है फिर गुस्सा तो आएगा। दोस्तों 10 दिन का टाइम उन्होंने मुझे दिया है कि 10 दिन में आपकी पेमेंट रिफंड हो जाएगी, आपको इधर से आके रिसीव करनी पड़ेगी। दोबारा आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे वापस आ जाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। यार वापस आ गया हूँ मैं, कंप्लेन कर दिए, अब 10 दिन वेट करना पड़ेगा। मैसेज आएगा मुझे कुरियर कंपनी की जानिब से और आके मैं अपने पैसे उनसे वापस ले लूँगा। कंपनी कौन सी थी जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है वो मैं आपको बताता चलूँ। फेसबुक पे इनका पेज है पीके बाज़ार के नाम से, तो आप में से भी अगर कोई पीके बाज़ार नाम का कोई पेज फेसबुक पर देखे तो आपने कतन ऑनलाइन शॉपिंग वहाँ से नहीं ख़रीदनी। फ्रॉड है, स्कैम है, आपके पैसे ज़ाय हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी फिर आपको। उस शिपर को जिसने मुझे ये गलत चीज़ भेजी थी, मैंने उसको सजा देने का ये सोचा हुआ है कि मैं बड़े महंगे महंगे ऑर्डर प्लेस कर दिया करूँगा उनको, लेकिन मैं रिसीव नहीं करूँगा और उनको इस तरह थोड़ा सा तंग करने का मौका मिलेगा मुझे। क्या ख्याल है? तो वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।